हे गाइस, बहुत सारे यूट्यूबर ने 2022 स्पेशल वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं बनाई। और तो आज नया साल है क्या? आज नया साल नहीं है तो गाइस कोई बात नहीं। आज वैसे भी 5 तारीख क्यों ना हो, लेकिन जनवरी के महीने में ही नया साल रहता है, इसलिए कभी भी हम हैप्पी न्यू ईयर बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। एंड गाइस, अभी कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, इसलिए मैंने भी सोचा है कि मैं भी 2022 स्पेशल वीडियो बनाऊं, वो भी कुछ नया ट्राई करके। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या बनाऊं, कोई टॉपिक ही नहीं मिल रहा यार। चलो तो कुछ अटपटा सा सोचते हैं, जो कि मैंने 2021 में नहीं किया हो, सबसे अलग। चलो सोचते हैं। इसमें सोचता क्या है बे, एनिमेशन कर। एनिमेशन? चल वो छोड़, सबसे पहले ये बता तेरा नाम क्या है। मेरा नाम मोहन है, और तुझे नाम से क्या लेना, जो मैं बता रहा हूँ उस पर उस आइडिया पर काम करना। हाँ चल ठीक है। वैसे सच सच बोल, तूने ये डोरेमोन से चुराया है ना? मुझे क्या पता, अपने आप से पूछ, तूने ही सो बना है मुझे। हाँ चल, ज्यादा बांटना मत, फोड़ ऑडियंस के सामने छुप जा। हाँ तो गाइस, जैसे कि मोहन ने कहा कि एनिमेशन करते हैं, चल तो गाइस एनिमेशन ट्राई करते हैं। और मैं आरजी बकेट लिस्ट से अच्छा एनिमेशन बनाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। चुप, ऐसे एनिमेशन तो तू सपने में भी नहीं कर सकता। हाँ हाँ, देख लेंगे। एक एनिमे कैरेक्टर बनाने में मेरी हालत टाइट हो गई, और इससे मुझे पता लग गया कि आरजी बकेट लिस्ट कितनी मेहनत करता होगा। तो ओवरऑल हम इसे नहीं कर सकते, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं गाइस। सॉरी, मैंने तो पहले ही कहा था तुझसे ना हो पाएगा। चुप हो जा बे, एंड नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बता। चल कोई बात नहीं, एक आइडिया हो रहा है मेरे पास। तू अपने चैनल पर एक सीरीज शुरू कर, जिसका नाम होगा फैक्ट सीरीज। क्या बात कर रहा है, फैक्ट सीरीज? इस पे तो मैंने अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाई, ये नया रहेगा मेरे चैनल के लिए फैक्ट। लेकिन मैं बनाऊंगा किस पर? कार्टून पे बनाना और एनिमेशन पे भी बना। ओके चलो देखते हैं करके इसको भी, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि व्यूज आएंगे? अरे व्यूज आएंगे, मैंने देखा है बड़े बड़े यूट्यूबर को इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हुए। मुझे तुझ पर यकीन बिल्कुल भी नहीं है, सुन ले, तेरी मर्जी, यकीन करता हो कर वरना खुद सोच ले, मैं चला। तो गाइस, जैसे कि मोहन ने कहा कि हम फैक्ट एंड कार्टून फैक्ट बनाएंगे, देखते हैं चलो बनता भी है या नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि किस को ले सबसे पहले फैक्ट में। हाँ तो गाइस, आप जानते हैं बबलू डब्लू की मॉम कैसी दिखती है? अगर आपने नहीं देखा उनका फोटो तो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि बबलू डब्लू में तो हमें उनकी मॉम का फोटो नहीं दिखाया जाता, लेकिन जो बबलू डब्लू क्लब्स तो उसमें हमें दिखाया गया है कि शुरू के एपिसोड में शायद एक आदमी के बब्लू डब्लू की मोम हमें दिखाई जाती है वहाँ पे, तो ये वही की इमेज है। लेकिन क्या आपने लक्का के मोम डैड का फोटो देखा? इतना ही नहीं, लक्का के बॉस का ही फोटो आपने देखा? नहीं ना, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मैं आपको उनका फोटो दिखाता हूँ तो प्लीज लाइक करिएगा वीडियो, और नहीं दिखाता हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हाँ जानता हूँ मेरा ही फायदा है, हाँ मैं जानता हूँ ये फोटो नहीं है, लेकिन मैं ही क्या करूँ, मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन नहीं मिली। तो अब मैं सिर्फ आपको इसका कारण बता सकता हूँ,
इसके मैं आपको तीन कारण दूंगा। सबसे पहला तो ये मेकर्स इसके लिए काफ़ी सस्पेंस बना रहे हैं, शायद इसलिए इन्हें बाकी के एपिसोड या फिर मूवी में दिखाया जाए। नंबर टू, शायद से इन सभी कैरेक्टर की जरूरत ही नहीं हुई इनको कभी, इसलिए फ़ोन से ही काम चल जाता था। मूवी में इनके ऊपर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहा शायद, एंड फ्यूचर में करे। और तीसरा कारण, इनका इतना रोल भी नहीं है इसलिए वो इससे ही काम चल जाता है, एंड फ्यूचर इसे हमें दिखाया भी ना जाए और इसी तरह ये शो चलता रहे। एंड गाइस, अब मैं जानता हूँ कि ये फैक्ट इतने इंटरेस्टिंग नहीं थे, लेकिन जो मैं आपको नेक्स्ट फैक्ट बताने वाला हूँ ये सुनने के बाद आप कूद पड़ोगे। क्या गाइस, आप जानते हैं बबलू डब्लू का रियल नेम क्या है? हाँ, मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे होगे कि बबलू डब्लू का तो रियल नेम बबलू डब्लू ही होगा, लेकिन नहीं। जैसे कि हम अपने इंडिया में बबलू डब्लू कहते हैं, वैसे भी अदर लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं ब्रायर ब्रैम्बल। जी हाँ गाइस, बड़े वाले का नाम ब्राय है और सेकंड का है ब्रैम्बल्स, ये नाम है। एंड गाइस, क्या आप जानते हैं जो लखा है उसका नाम क्या हो सकता है? तो गाइस, उसका नाम विक है। सो गाइस, ये थी मेरी 2022 स्पेशल वीडियो। इस वीडियो में मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश किया है गाइस, तो सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट दिखाना, और मैं किसी के भी लिए हेट नहीं करता हूँ, प्लीज़ इसे कॉमेडी वे में ही लेना।